नमस्कार जयदेव, मैं रिया कलूरिया जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट से और जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती। आप जैसे देख रहे हैं कि आज हम जनरल जोरावर सिंह स्टैचू के पास हैं, जो कि रियासी में है, बस स्टैंड में। अगर आप इसकी हालत देखें तो बहुत ही खस्ता है, क्योंकि यहाँ पर लोग शराब पीते हैं और यहीं पर बॉटल छोड़कर चले जाते हैं। एक तरफ आप इनके नाम के टैंक बन रहे हैं, लाइट टैंक बन रहे हैं, 364 समथिंग टैंक बन रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर रियासी के लोकल लोग जो हैं वो शराब यहीं पर पीते हैं और यहीं पर छोड़ जाते हैं। इसमें हम लोग हर बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करते हैं, लेकिन इस बार मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी। इस बार हमारे लोकल पीपल की गलती है, जो यहाँ पर आते हैं और शराब पीते हैं, अपनी इतनी बड़ी हस्ती को उनका मजाक उड़ाते हैं। कही है इस बारे में? बिल्कुल, डीसी मैम से बात की, उन्होंने काफी क्लीन ड्राइव भी यहाँ पर चलाई है। आज हम जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट और म्युनिसिपल की तरफ से यहाँ पर क्लीन ड्राइव चलाई गई। हमें चारों तरफ शराब की बोतलें मिली, बहुत सारी थी, एक लिफाफा पूरा भर गया था। आम पब्लिक को कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो भी थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन उससे ज्यादा अगर लोकल पब्लिक ही अपने राजाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि रियासी जो था वो जनरल जोरावर सिंह जी को विरासत में मिला था, तो अगर रियासी में इतना बड़ा स्टैचू महान योद्धा का लगाया गया है, तो आप अपने यूथ को क्या समझा रहे हो? आपको क्या लगता है बच्चे इससे क्या सीख कर जा रहे हैं कि अपने महान योद्धाओं पर ऐसे शराब की बोतलें छोड़ी जाए? इससे मुझे लगता है हमारे रियासी के लोगों को महाराष्ट्र के लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने पूर्वजों का ध्यान रखा जाता है। ये मैं नहीं कहती कि ये सिर्फ जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की जिम्मेवारी है, या हम इनके परिवार से हैं तो हमारी ही जिम्मेवारी। आने वाला यही स्टेप रहेगा कि इसके ऊपर प्रॉपर गार्ड लगाई जाए। अगर आप देखें आसपास पुलिस कर्मचारी होते हैं, उन्हें भी समझाना चाहूंगी, उन्हें भी बताना चाहूंगी कि जब भी कोई लोग, क्योंकि रात भर यहाँ पर रहते हैं वो, उनको ये नहीं दिखता कि कौन आ रहा है और शराब जानबूझ के होता है ऐसा। ये बिल्कुल कामयाबी जो है पुलिस वालों की है, क्योंकि पूरी रात ड्यूटी उनकी यहाँ पर रहती है, लेकिन उन्हें कोई होश ही नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन क्या फेंक कर जा रहा है। पहले भी, पिछले कुछ सालों पुरानी बात की जाए तो इसको चारों तरफ रेडियो से ढका हुआ था, और इसके अंदर जितना भी रेडियो का सामान होता था वो यहाँ पर फेंक दिया जाता था। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से उस टाइम सागर दत्तात्रेय थे हमारे डीसी, उनके साथ मिलकर हमने ये रेड़ियां वगैरह हटवाई, और आज यहाँ पर शराब वगैरह रखी जा रही है। अगर आप चारों तरफ देखें, कुछ बाहर के लोग आए हैं यहाँ पर अपनी